नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक नई सूचना के साथ आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूं, और वह सूचना है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी होने वाली आपकी आगामी भर्ती विज्ञप्तियां। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस से अभी आपके एक तो पद आने हैं, 2937 पद की एक आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, जिसमें दो तरीके के पद हैं। एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर के, जिसके 693 पद हैं, और दूसरा आपका रेडियो ऑपरेटर का, जिसमें 2224 पद हैं। ये दोनों पद आपके आने हैं, कब आ जाएं ये चीजें नहीं है इनके लिए। हालांकि जो आपके टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जैसे ही आपका उत्तर प्रदेश एसआई सिविल वाले जो है परीक्षा संपन्न हुई थी, वैसे ही इनके लिए टेंडर जारी कर दिया गया था। तो टेंडर प्रक्रिया अभी आपके जो है फाइनल नहीं हुई है, और जैसे ही टेंडर प्रक्रिया आपकी पूरी होगी वैसे ही इनकी विज्ञप्ति। और तीसरी जो आपकी वैकेंसी होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की होगी, वो भी जहां तक है आपका 10 जनवरी तक आपको वो देखने को मिल जाएगा, और इनके भाई पद आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है और रेडियो ऑपरेटर, इनके लिए योग्यताएं क्या क्या होती है, ताकि जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारे लोग अपनी अगली परीक्षा की ओर मूव कर दें। वहीं सबसे ज़्यादा उचित आपके पास एक समय होता है, और वहां से आप खुद को एक कंसंट्रेट भी कर पाएंगे, अभी से परीक्षा को लेकर के अपनी पूरी दक्षता के साथ आप लग सकते हैं। देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगा कंप्यूटर ऑपरेटर जो पद है, इस पद के लिए क्या क्या आपकी अर्हता होती है। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर पद जो है 2400 ग्रेड पे का आपका ये जो है पोस्ट है, और पे बैंड जो है इसका 5200 से लेकर के जो है 20200 है। इसमें जो पद आने हैं, रिक्तियां कितनी है, 693 रिक्तियां हैं, तो अपने आप में काफी हैं। पिछली बार भी ऐसे ही आपकी आई थी, जिसमें आपके जो है परीक्षाएं तेजी से संपन्न हुई थी। अब इसमें हम जानते हैं कि अर्हता आपकी क्या है, शैक्षिक अर्हता क्या है, आयु अर्हता क्या है, और अन्य चीजें क्या मांगी जाती हैं। देखिए, अगर इसमें अर्हता की बात करें और शैक्षिक अर्हता, तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन इसमें पीसीएम कंपलसरी है। इसमें पीसीएम आपका कंपलसरी है, इंटरमीडिएट परीक्षा आप पीसीएम से उत्तीर्ण हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा के लिए। साथ ही साथ अगर आपके पास डोयक या नीलेट से आपने ओ लेवल कर रखा है तो वह जरूरी है इसके लिए, पीसीएम आपका 10+2 में, और साथ ही साथ आपका डोयक या नीलेट के द्वारा ओ लेवल या इसके समकक्ष में आपकी कई अन्य शर्तें हैं, उसको अगर आप धारित करते हैं पीसीएम के साथ, तो आप इस पद के लिए कहीं ना कहीं योग्य हैं। अगर आपके पास डोयक या नीलेट का वो लेवल नहीं है या समकक्ष में नहीं है, तो अगर आपके पास प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, ठीक है, यानी कंप्यूटर आपका इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, या इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक अगर आपके पास इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें डिप्लोमा है या समकक्ष योग्यता है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समकक्ष वाली चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड की वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका पीसीएम 10+2 पीसीएम के साथ नहीं है और ओ लेवल वगैरह है या इसके समकक्ष में कोई धारिता है, तो आप नहीं फिल कर पाएंगे। यहां पीसीएम आपका कंपलसरी, इसलिए 10+2 अगर आपने पीसीएम से कर रखा है और आपके पास आपका ओ लेवल है या समकक्ष की धारिता है, तभी आप इस पद के लिए योग्य होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये शैक्षिक अर्हता है। साथ ही साथ अगर आयु की बात की जाए, तो न्यूनतम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र इसमें 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष के जो आपके अभ्यर्थी हैं वो पात्र हैं। और जो एज की आपकी काउंटिंग होगी, अगर अभी आपकी ये परीक्षा आ रही है, विज्ञप्ति आ जाएगी, तब भी 1 जुलाई से ही लिया जाता है, ठीक है, चाहे एसआई हो चाहे पुलिस, आपके इसकी विज्ञप्ति हो कांस्टेबल वगैरह, सभी में 1 जुलाई ही आपका मानक निर्धारण वर्ष होता है। ओबीसी एससी एसटी इन सभी को जैसे सभी परीक्षाओं में छूट मिल रही है, उसी हिसाब से 5 साल 3 साल जो भी छूटें मिल रही हैं वो छूट इसमें दी जाती है ओबीसी एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को। अब हम बात करते हैं, ये तो आयु हो गई, एजुकेशनल हो गई, इसकी परीक्षा जो आपके पैटर्न कैसा होता है, 2 स्टेज में परीक्षा होती है। पहला जो स्टेज होता है ये रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, वही एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होता है। 200 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है, 2 घंटे आपके पास समय होते हैं। इसमें पूछा कर जाता है जीके आपका 40 क्वेश्चन होता है, 1 क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का जो है ये आता है जीके, रीजनिंग 40 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स के रीजनिंग आती है, और कंप्यूटर के 80 प्रश्न यानी 100 अंक का आपका कंप्यूटर यानी 200 अंक की परीक्षा होती है,
ठीक है। 200 अंक की परीक्षा 2 घंटों में आपको जो है 200 प्रश्न भी, 200 तो नहीं है, 160 प्रश्न होते हैं, 200 आपके अंक होते हैं, ये आपको 2 घंटे में हल करना होता है। इसमें जब आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको फिर दूसरे स्टेज में टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी है। टाइपिंग में हिंदी के लिए 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। 600 शब्द का एक पैराग्राफ हिंदी में आपको दिया जाएगा जिसमें आपको 15 मिनट में इसमें टाइप करना होता है। दूसरा अंग्रेजी की जो आपकी टाइपिंग है ये 30 शब्द प्रति मिनट आपसे मांगता है स्पीड, और 15 मिनट समय इसमें भी आपको दिया जाता है। इसके लिए लगभग आपको 500 शब्दों का एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपको टाइप करना होता है। वर्ड हाईलाइट वगैरह सब कुछ होते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको 10 मिनट का समय इनके बीच में दिया जाएगा, हिंदी टाइपिंग कर लेंगे तो 10 मिनट आपको आराम दिया जाएगा, ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग होगी। इनमें जो आप टाइप करेंगे 15% गलती आपको छूट है, लेकिन 85% कंपलसरी है एक्यूरेसी आपका होना, यह आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी इसके परीक्षा पैटर्न कैसा रहा, प्रीवियस ईयर आपकी जो भर्ती रही वो भर्ती आपके उसमें प्रश्नों का स्तर कैसा रहा, इन सभी पर मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा। अन्य चीज़ों जो आपकी क्वेरी हैं उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके जवाब परीक्षा प्लस टीम के द्वारा दिए जाएंगे। और रेडियो ऑपरेटर में क्या क्या योग्यताएं आपकी मांगता है उन सभी को लेकर के, या इसमें समकक्ष जो धारिताएं हैं इन सभी के समकक्ष जो है एक वीडियो आपको अगली मिल जाएगी। तो ये जिनके पास ऐसी आपकी योग्यता है वो सारे लोग संकल्प बैच जो परीक्षा प्लस टीम के द्वारा चलाया जा रहा है उस बैच से आप जुड़िए और अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए। उसमें आपको वीडियो क्लासेज, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, नोट्स सब कुछ उपलब्ध कराए जाएंगे। संकल्प बैच के अंतर्गत आपका कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सभी परीक्षाओं के आपके संपूर्ण सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सूचना आपको अपने लिए तो आवश्यक है, आपके जो दोस्त जिनके पास ये धारिताएं हैं उन सभी तक जरूर एक बार शेयर करें। इनके बारे में अन्य सूचनाओं के साथ जल्द ही अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चैनल सारे लोग सब्सक्राइब कर लें, परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में डालें या नीचे चल रहे नंबर पर संपर्क करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।